दिस वीडियो पावर्ड बाय BRCM भैल भिवानी हरियाणा। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग को रीड करने के बारे में। हमारे पास ड्राइंग है हॉस्पिटल ब्लॉक की, प्लान शोइंग बॉटम रिइंफोर्समेंट ऑफ राफ्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी राफ्ट फाउंडेशन है और एक्स डायरेक्शन में बॉटम में जो हमारा स्टील डलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ड्राइंग का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास एंडिंग में SO3 है, फॉर अप्रूवल है ये ड्राइंग पर्पस फॉर अप्रूवल। एंड लोकेशन है इसकी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। प्रपोज्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एक्सटिंग सिविल हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल नोट्स पढ़ेंगे। तो जनरल नोट्स में क्या है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एंड ऑल लेवल्स आर मीटर, डू नॉट स्केल द ड्राइंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी कंफर्मिंग टू IS 456:2000 एज शो एज फॉलो। राफ्ट का M30 रहेगा, UGT एंड स्लम्प वॉल का आपका M40, रिटेनिंग वॉल का आपका M40, शीयर वॉल जो होती है हमारी या फिर कॉलम है हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पर M40 और M30 है। बेसमेंट रहेगा जो, और हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा वो M40 का रहेगा, और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक रहेगा वो M35 तक रहेगा। ग्रेड ऑफ स्टील FE 500 IS 1786:2008। क्लियर कवर के बारे में बात करें तो राफ्ट का 50 mm, शीयर वॉल का 40, कॉलम का 40, रिटेनिंग वॉल का 30, UGT एंड स्लम्प वॉल का 30 mm, एंड जो लैप्स शैल बी स्टैक्ड एंड लैप लेंथ शैल बी एज फॉलोज। तो लैप लेंथ जो होती है हमारी, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग लैप लेंथ होती है। M30 के लिए 50 इंटू डाया ऑफ द स्टील, M35 के लिए 44 इंटू डाया ऑफ द स्टील, M40 के लिए 40 इंटू डाया ऑफ द स्टील। एंड दिस ड्रॉइंग इज रीड इन कंजक्शन विद द फॉलोइंग ड्राइंग्स, यानी आपको 1 2 3 4 5 5 ड्राइंग्स और रीड करनी पड़ेंगी इस ड्राइंग को समझने के लिए। एंडिंग में देखिए SO1, SO3A, SO3B, SO3C एंड SO5A। जो क्लाइंट है ये रहे, एंड जो कंपनी जिसका टेंडर है, जिसने टेंडर लिया है इस कंपनी में। नाउ सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा होगा बार बेंडिंग शेड्यूल, ये आपका बार बेंडिंग शेड्यूल है। बार 1 बार मार्क नंबर दे रखा है आपको, जो 1 है 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C एंड सो ऑन। इसके अंदर शो कर रखा है Y16 at 270 सेंटर टू सेंटर, ये डाया है 16 at 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। थ्रू आउट बार ऐसा ही रहेगा, थ्रू बार लिख रखा है। ये लेंथ वेरीज रहेगी, लेंथ वेरी रहेगी जो ड्राइंग में दे रखी होगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं 250 mm का ये अपसाइड बार मुड़ेगा, ये बार बार की शेप दे दी है इसके अंदर कैसी रहेगी। अब 1 बार मार्क 1 को अगर मैं शो करूँ, आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट है एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो एक्स, अब देख लीजिए दो डायरेक्शन होती हैं आपकी, एक वाई डायरेक्शन होती है और एक्स डायरेक्शन होती है। तो एक्स रहेगी आपकी दिस वे, ओके। एक्स डायरेक्शन में अगर आप ढूंढेंगे तो ये रहा आपका 1, यहाँ पर आ गया है 1। पूरी ड्राइंग को आप अगर देखना चाहें तो ये पूरी ड्राइंग कुछ ऐसे है, ओके। यहाँ पर आपका 1 है, अब मैं आपको पास में ले जाता हूँ, यहाँ आपका 1 है, देन दिस साइड इज आल्सो 1, ओके। तो यहाँ से आपका ये पूरा जो रहेगा यहाँ तक ये सारा चलता रहेगा, शो नहीं कर रहा है, पर ये आपको पूरा ऐसे 1 रहेगा, यानी 16 mm का आपका बार रहेगा 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। अब ये देखिए आप 5A Y12 का रहेगा, 12 mm का 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा। अब देखिए क्या कह रही है, एक्स्ट्रा बार इन फर्स्ट लेयर अल्टरनेट प्लेस्ड विद 1, इसके साथ नेट स्पेसिंग 137.5 mm, लेंथ वेरीज, ये शेप दे दी आपको बार की।
तो इसके अंदर देखिए 5A, अगर आप 5A देखेंगे तो 5A आपके पास यहाँ पर भी है एंड ड्राइंग में जो ये कह रहा है, जो आपका 1 है इसके साथ आपको अल्टरनेट लगाना होगा, इन द सेंस ये आपकी जो मेरी 1 फिंगर है ये 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ये देखिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ, ये फिंगर मेरी 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है एंड ये जो कह रहा है अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट 137.5 mm, ये जो अल्टरनेट रहेगा तो इसके अंदर जो आपका इसने डिस्टेंस पे रहेगा तो ये आपकी ये भी डिस्टेंस डिवाइड करेंगे जब आप तो कुछ कम हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्पेसिंग कम हो जाएगी। ये तो कुछ ऐसे ड्राइंग्स हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, सेक्शन कटा हुआ है सेक्शन 4, इस साइड देखेंगे आप तो आपको मिलेगा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 यहाँ से लेके आपका यहाँ तक सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 4 आपका यहाँ से लेके आपका सेक्शन 4 यहाँ तक है, देख पा रहे होंगे आप। सेक्शन 6 की बात करते हैं, अगर हम पहले सेक्शन 3 दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक है सेक्शन 5, यहाँ से लेके यहाँ तक है एंड सेक्शन 6, सेक्शन 6 यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर राफ्ट के अंदर आपके यह कॉलम, यहाँ पे कॉलम प्लेस्ड है, ये देखिए ये कॉलम हो गया, यहाँ पे कॉलम हो गया, कॉलम के अंदर भी जहाँ पे आपका कॉलम प्लेस रहेगा उसके चारों तरफ भी एक्स्ट्रा रिन्फोर्समेंट रहेगा। देखिए 6A, अगर 6A, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ये कॉलम है आपका 6A, यहाँ पर 6B भी है, 6A है तो 6A और 6B के लिए लेके चलता हूँ मैं आपको। तो 6A क्या कह रहा है, तो ये देखिए 6A कह रहा है 16 mm का है, 275 सेंटर टू सेंटर, एक्स्ट्रा बार इन फर्स्ट लेयर अल्टरनेटली प्लेस्ड विद 1, यानी फर्स्ट हर जगह है, यानी जो हमारा बार 1 है एक्स डायरेक्शन में, बॉटम बार जो है हमारा वो हर जगह है एंड 6B मैंने आपको शो किया था, तो एक्स्ट्रा बार इन सेकेंड लेयर, यानी फर्स्ट लेयर आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट लेयर इन द सेंस आपका डाउन वाला बॉटम भी आ गया एक्स डायरेक्शन के अंदर, फिर आपका डाउन वाला बॉटम भी आ गया वाई डायरेक्शन के अंदर, देन अगेन सी आपका 6B आएगा आपका सेकेंड लेयर में, यानी डबल डबल जाल है वहां पर आपका बॉटम के अंदर ही, फिर आपका टॉप जाल आएगा। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 6B भी है, यहाँ पे आप देखिए 5A है, यहाँ पे 5A है, इस कॉलम के लिए हमने 5A यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो देखेंगे आप ये है आपका Y16 250 सेंटर टू सेंटर डावल्स फॉर पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल इन द सेंस ये आपका स्टेयर केस आ गया है फ्रेंड्स, अब ये आपका स्टेयर केस है, स्टेयर केस के लिए अलग रिन्फोर्समेंट है, लेकिन जो अभी हमारा राफ्ट में स्टार्ट होगा, राफ्ट में स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ से अप डायरेक्शन, अपवर डायरेक्शन में देखिए इसने कैसे डार्क कर दिया है, इसको बोल्ड कर दिया है, ये अपवर डायरेक्शन में उठेगा पेडेस्ट्रल के लिए। ओके, यहाँ पे 8A 8C 7D और 8C एंड 7D, तो 8A 8C और 7D दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 7D, 7D रहा, 20 mm का स्टील है, स्पेसिंग दे रखी है उसकी। अब जो ये एक्स्ट्रा बार है थर्ड लेयर आ गई है यहाँ पे, यानी सेकेंड लेयर भी हो चुकी है, सेकेंड लेयर आपका 7B और 7C में हो चुकी है, ये थर्ड लेयर है एंड 8 हमने क्या रीड किया था C, तो 8C अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अगेन सेकेंड लेयर है, इतने डिस्टेंस पे 20 mm का स्टील लगेगा, लेंथ वेरीज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेक्शन, ये सेक्शन रहेगा आपका सेक्शंस, देखिए सेक्शन 2 में है ये, सेक्शन 2 में है ये, तो मैं सेक्शन 2 आपको दिखाता हूँ इसकी एसोसिएटेड ड्राइंग के अंदर, जो इसने दे रखी थी यहाँ पे, जो इसकी एसोसिएटेड ड्राइंग रहेगी। ओके सी सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 ऐसे चल रहा है तो हमें वाई डायरेक्शन में देखना है। अब यहाँ पर देखिए आपका Y1 है और अगर हम सेक्शन 4 देखते तो हम एक्स डायरेक्शन के थ्रू देखते, तो दिस इज आवर सेक्शन 2, ये ड्राइंग है हमारी, देख सकते हैं आप SO5A। ओके तो ये रहा आपका सेक्शन 2, ये भी सेक्शन 2 है एंड दिस वन इज ऑल्सो सेक्शन 2। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमने